सब्सक्राइब कीजिए जीकेडी टेक्नो वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, लेटेस्ट मोबाइल से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और जीकेडी टेक्नो वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चोरी हुआ मोबाइल कैसे ढूंढें। दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल चोरी हुआ है तो दोस्तों आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको आपका मोबाइल मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाना होगा। ब्राउज़र में जाने के बाद आप गूगल का पेज ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको उसे ओपन कर लेना है। दोस्तों, ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका जीमेल आईडी और आपका पासवर्ड इसे चाहिए। पर दोस्तों, आपने अपने मोबाइल यानी आपने जो प्ले स्टोर में जो ईमेल आईडी आपने डाला था, आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालना है। तो चलिए दोस्तों, हम भी एक अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। और यहाँ पर पासवर्ड भी सेट कर देते हैं। यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट किया और अब नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने मोबाइल यूज़ किया है वो है रेडमी नोट 3। तो दोस्तों, यहाँ पर ये इसका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल का करंट लोकेशन दिखा रहा है। तो दोस्तों, इसके थ्रू आप इजीली पता लगा पाएंगे कि आपका मोबाइल कहां पर है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं 50 मीटर तक ये बता रहा है। दोस्तों, यहां पर आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे हैं, रिंग, लॉक और इरेज। दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल यहां वहां रख देते हैं या फिर आपका मोबाइल किसी ने तुरंत चोरी किया, तो दोस्तों आप यहाँ पर रिंग के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए आपका मोबाइल 5 मिनट तक कंटिन्यू बजते रहेगा जब तक आप उसे बंद नहीं कर देते। तो दोस्तों, यह ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है लॉक, दोस्तों यह ऐप सबसे बढ़िया दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए। तो चलिए, हम भी एक पासवर्ड रख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक पासवर्ड रख लिया और यहाँ पर इसके नीचे सेम पासवर्ड आपको वही रखना है जो अभी आपने ऊपर रखा था। रखने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पर एक मैसेज आपको टाइप करना है, आई विल कैच यू। जैसे ही हमने ये एक मैसेज यहाँ पर डाल दिया दोस्तों, उससे होगा यह, जैसे आप इसे लॉक के बटन पर क्लिक करेंगे, ये मैसेज आपके जो आपका मोबाइल खोया हुआ है उस मोबाइल पर ये मैसेज जाएगा, डिस्प्ले होगा आई विल कैच यू। और दोस्तों, वह बंदा आपका मोबाइल ओपन नहीं कर पाएगा जब तक वह यह पासवर्ड नहीं डालता। तो दोस्तों, यह ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों, जो ये थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है इरेज, दोस्तों यह मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर मैं इरेज के बटन पर क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे मोबाइल का डेटा है वो सब क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपका जो मोबाइल गुम हुआ है उसका कोई भी फाइल या फिर कोई भी डेटा किसी और को ना मिले, तो दोस्तों यह ऑप्शन उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, जैसे आप इस पर इरेज पर क्लिक करेंगे, आपका जो मोबाइल का डेटा है सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा।